भाई मैकेनिकल का लड़का लोग सही में बहुत बदमाश होता है, तो इसीलिए कॉलेज का नाम रख दिया गया है के कॉलेज। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं के कॉलेज, मेरा कॉलेज जहाँ से हम पढ़कर पास आउट हुए हैं, जहाँ से हम इंजीनियरिंग किए हैं, सिविल इंजीनियरिंग। और ये जितेंद्र मेरा लंगोटिया यार, तो ये राजन है हमारा धनबाद का सबसे प्यारा दोस्त, कहा जाए तो धनबाद का लौंडा कह सकते हैं इसको, लौंडा ही है पर सख्त नहीं है। तो अभी हम लोग कॉलेज के अंदर आ गए हैं, बहुत बड़ा कॉलेज है के कॉलेज। 2017 में पास आउट हुए पढ़ के। एक बहुत अच्छा मंदिर बना कॉलेज के अंदर, बहुत बड़ा कॉलेज है। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना उस टाइम थोड़ा सा डेवलप कर रहा था, पर अभी बहुत ज्यादा कर गया है। आप लोग को दिखलाते हैं यहाँ पे मंदिर जो बना है एकदम बड़ा सा कॉलेज के अंदर। ये बिल्डिंग है कोई अलग ब्रांच का, सब ब्रांच का अलग अलग बिल्डिंग है और यहाँ पे पूरा बस लगा हुआ है। और ये नया मंदिर बन रहा है, आगे में गणेश भगवान है, नीचे शेर का है मूर्ति, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी हो ही रहा है। अच्छा, मंदिर बन रहा है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कौन भगवान का है। इसको कहा जाता है मेन बिल्डिंग, इसको कह सकते हैं KKCM बिल्डिंग और नहीं तो BTech बिल्डिंग। अभी हम लोग मेन बिल्डिंग में आ गए हैं, ये मेन बिल्डिंग का ऑफिस है, अंदर जाते हैं और यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आप सबको। कैमरा चल रहा है पूरा कॉलेज का, स्टाफ लोग का मतलब वर्क होता है जितना भी है, स्टूडेंट का जितना भी वर्क होता है इसी के अंदर होता है। यहाँ पे आप लोग आओगे ना तो बैठोगे तो मन लगेगा, लगेगा कि गजब का नज़ारा है भाई। ये देखिए व्यू दिखाते हैं आपको गोल एक बार, ये रहा देखिए नज़ारा। अब यहाँ से ये नज़ारा रहा, गजब का है भाई। वो देखिए वो सब हॉस्टल है, उसके पीछे मेरा हॉस्टल था, उसके वहां रहते थे, ये भी हॉस्टल था, ये सीनियर हॉस्टल था, ये मेरा फर्स्ट ईयर और वो जूनियर था, और ये हम लोग का फर्स्ट ईयर का बिल्डिंग था, ये जो सीधा दिख रहा है। एक मूर्ति वहां पे है और एक यहाँ पे है, तो ये इनका नाम है कामेश्वर प्रसाद सिंह पिता श्री, तो ये ऋषि रवि चौधरी सर का पिता हुए, तो इनका नाम है कामेश्वर प्रसाद सिंह और वहाँ पे कौशल्या नाम है, कौशल्या नाम है ना, तो कामेश्वर और कौशल्या। कोई भी अगर पूछे के कॉलेज नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो कामेश्वर कौशल्या, कामेश्वर इनके पापा का नाम रवि सर का और उनकी माँ का नाम कौशल्या, तो इसीलिए कॉलेज का नाम रख दिया गया है के कॉलेज। वो मेरा था फर्स्ट बिल्डिंग जब हम एडमिशन लिए थे, उसके बाद फिर ट्रांसफर होके इस बिल्डिंग में आ गए थे, तो सेकेंड ईयर में ये बिल्डिंग हम लोग को प्रोवाइड हुआ था के पॉलिटेक्निक। यही है मेन बिल्डिंग जो पॉलिटेक्निक का है ना, जो काउंसलिंग होके बच्चा आता है तो इसी में आता है। यहाँ से लाइफ में सबसे पहला कॉलेज का जो मजा लिया ना इसी कॉलेज में लिया, इतना मजा आया था भाई, इतना मजा आया था, 3 साल जिसका कोई जवाब नहीं है पूरा। यहाँ पे HOD सर बैठते थे, वर्मा सर, जो अब यहाँ पे नहीं है, ट्रांसफर हो गया उनका। और ये सिविल का पूरा जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये सब यहाँ रखा हुआ है। जब आप लास्ट ईयर में रहोगे ना तो आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा कम्प्लीट करने के लिए, लास्ट ईयर वाला, ये सब लास्ट ईयर का है ना सर, ये सबका सब लास्ट ईयर में मिलता है। और उसके बाद एक फाइल जमा करना रहता है, एक बड़ा सा मोटा सा बनाना रहता है, हाँ बुक टाइप का। लोग भी लास्ट ईयर में जमा किए थे कुछ बनाकर, हम जमा किए थे वाटर, क्या जमा किए थे हम लोग, हाँ तो ये जो है ये वर्कशॉप है, इसी में पहला सेकेंड ईयर में हम लोग वर्कशॉप में आके झूठ मुठ कर रेती और छुरी लेके घूमते रहते थे करना कुछ रहता नहीं था। नए सर हैं जो पहले हम पढ़ते थे वो सब चेंज हो गए हैं, ये पहले ITI में थे ना सर, बेकार बांध ITI कॉलेज है, के कॉलेज है, इन्हीं का कॉलेज है, उसी में ये सर थे, वहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ वर्कशॉप में आए, तो वर्कशॉप दिखाते हैं यहाँ का। ये जो है ना ये वर्कशॉप है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जितना भी होता है तो हर ब्रांच का यहीं पे आके वर्कशॉप में अपना टेक्निकल सीखते हैं और सर लोग सिखाते हैं, तो हम लोग भी यहीं पे आके सीखे थे, यही सब किए थे, काट छाट सब कुछ। जब हम लोग पढ़ते थे तब ये हॉस्टल नहीं था, यहाँ पे नया बना है, ये बॉयज हॉस्टल है और इधर पे एक और बिल्डिंग है, देखिए अरे बहुत बड़ा कॉलेज है भाई। और ये इधर एक और बिल्डिंग है, यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग होता है, बीएड का पढ़ाई होता है। ये मैकेनिकल बिल्डिंग है, तो यहाँ का भी दोस्त लोग मेरा सब है, मैकेनिकल का सब दोस्त है, ये पूरा का पूरा जितना भी दिख रहा है वहां से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा मैकेनिकल बिल्डिंग है। अब भाई मैकेनिकल का लड़का लोग सही में बहुत बदमाश होता है साला। जा रहे हैं अपना हॉस्टल, जहाँ पे हम रहते थे हॉस्टल में, वहाँ का दिखलाते हैं नज़ारा आपको। तो आप लोग हॉस्टल के हो, ये देखिए अब मेरा रूम 8 नंबर था, 8 नंबर का है, 8 नंबर, ये मेरा रूम था, ये मेरा रूम था, ताला लॉक है,
ये 8 नंबर मेरा रूम था भाई, यहाँ पे हम लोग 1 साल रहे हैं पूरा। ये बेसिन है, इधर बाथरूम है, नहाना धोना सब कुछ, और इधर है टट्टी वाला बाथरूम इधर है। के ऊपर 3 फ्लोर है, ऊपर भी हॉस्टल ही है सबका, और ये रूम मेरा था भाई। आई लव दिस रूम। बच्चा लोग ऐसे रहता है हॉस्टल में तो कैसा लगता है। इसी के बगल में रूम में हम भी रहते थे, 8 नंबर में, तुम्हारे ही बगल में। ये लोग हॉस्टल अभी पढ़ कर आया, सोया हुआ है, बस इसी तरह हम लोग भी सो जाते थे भाई। ये हॉस्टल रूम हुआ कॉलेज का पूरा है, देखिए यहाँ घड़ा है, बाल्टी है, यहाँ पे नहाना धोना सब कुछ है। चलते हैं ठीक ना, एंजॉय करो, सो आराम करो। यहाँ पे है देख सकते हैं KKITI कैंपस, ये है, ये पहले बिल्डिंग नहीं था, अब बन चुका है। और इधर मेस है, जितना जन जा रहे हैं लंच करने के लिए जा रहे हैं मेस, तो उधर हॉस्टल भी है, मेस भी है, ये भी हॉस्टल है। अरे बहुत बिल्डिंग है भाई। बहुत ढूंढने के बाद तो सर मिले हैं। फर्स्ट ईयर में जो हम आए थे तो इसी बिल्डिंग में रहते थे, इसी बिल्डिंग में हम लोग पढ़ते थे, और सर मैथ पढ़ाते थे। और सब सर चले गए ना, बहुत जन और भी है, मित्र सर है। आप जब आओगे ना पढ़ने के लिए कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर में यही बिल्डिंग प्रोवाइड होता है ना सर, फर्स्ट ईयर में यही बिल्डिंग प्रोवाइड होगा। Semester 1 Semester 2 हम लोग ऊपर में पूरा कुलैली करते थे ना। इस कॉलेज में कांड कर ले जरा सा भी थोड़ा भाई, कैमरा तो है ही। और एक चीज दिखाते, जो झंडा आपको दिख रहा है ना ऊंचा वाला, उसके ऊपर हर बिल्डिंग के ऊपर मतलब अलग टाइप का कैमरा, चारों तरफ रोटेट होता है 360 में, पूरा कॉलेज में ही कैमरा भरा हुआ है। तो कांड करने का तो आप सोचना भी मत, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी चिटिंग नहीं कर पाएगा। हर जगह कैमरा है भाई, हर जगह, सिर्फ बाथरूम को छोड़ के हर जगह कैमरा मिलेगा। कॉलेज के अंदर स्कूल भी है, नहीं विश्वास है तो वो दिखाते हैं। फर्स्ट ही में आने के साथ यहाँ पे KK का अपना एक स्कूल भी है, वो पहले नहीं था, ये 2-4 साल में स्टार्ट हुआ है KK स्कूल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना KK पब्लिक स्कूल धनबाद, तो ये पूरा बिल्डिंग KK पब्लिक स्कूल है। ये पब्लिक स्कूल के जस्ट बगल में ही यहाँ पे दिनकर सभाघर, तो दिनकर जी के नाम पे रखा गया है सभाघर को। और ये हुआ मेन गेट। तो ये वीडियो बहुत मेहनत से आप लोग के लिए बनाया KK कॉलेज का, जो मेरा सबसे पुराना कॉलेज है, फर्स्ट टाइम अपने लाइफ का सबसे पहला कॉलेज। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय धनबाद।